नारद जी ने पूछा सनक आदि जी से, ब्राह्मण, प्राणों में ये सुना जाता है कि चिरंजीवी महामुनि मार्कंडे ने इस जगत के परले काल में भगवान विष्णु की माया का दर्शन किया था, अतः इस विषय में कहिए। तो सनक जी कहने लगे, नारद जी मैं उस सनातन कथा का वर्णन करूंगा, आप सावधान होकर सुने। मार्कंडे मुनि से संबंध रखने वाली ये कथा भगवान विष्णु की भक्ति से परिपूर्ण है। साधु शिरोमणि मार्कंडू ने तपस्या से निवृत्त होने के बाद विवाह करके प्रसन्नतापूर्वक गृहस्थ धर्म का पालन आरंभ किया। वे मन और इंद्रियों का संयम करके सदा प्रसन्न रहते और कृतार्थता का अनुभव करते थे। उनकी पत्नी बड़ी पवित्र, कार्यकुशल तथा निरंतर पति की सेवा में तत्पर रहने वाली थी। वे मन, वाणी और शरीर से भी पतिव्रत धर्म का पालन करती थी। समय आने पर उसने भगवान जी के तेजो में अंश से युक्त घर धारण किया और 10 महीने के बाद एक परम तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। महर्षि मार्कंडो उत्तम लक्षणों से शोभित पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने विधिपूर्वक मंगल में जात कर्म संस्कार संपन्न कराया। मुनि का पुत्र शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन दिन बढ़ने लगा। तरंतर 5वें वर्ष में प्रसन्नतापूर्वक पुत्र का उपनयन संस्कार करके मुनि ने उसे वैदिक धर्म संहिता की शिक्षा दी और कहा, बेटा ब्राह्मणों का दर्शन होने पर सदा विधिपूर्वक उन्हें नमस्कार करना चाहिए। तीनों समय सूर्य को जलांजलि देकर उसकी पूजा करनी चाहिए। वेदों के सिद्धाय पूर्वक वेदोत कर्म का पालन करते रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य तथा तपस्या के द्वारा सदा श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। दुष्ट पुरुषों से वार्तालाप आदि निषिद्ध कर्म का त्याग देना चाहिए। भगवान विष्णु के भजन में लगे हुए साधु पुरुषों के साथ रहना चाहिए। किसी से भी द्वेष रखना उचित नहीं है। सबके हित का साधन करना चाहिए। वत्स, यज्ञ, अध्ययन और दान, ये कर्म तुम्हें सदा करने चाहिए। इस प्रकार पिता का आदेश पाकर मुनीश्वर मार्कंडे नित्य निरंतर भगवान विष्णु का चिंतन करते हुए सद्धर्म का पालन करने लगे। मार्कंडे बड़े धर्म अनुरागी और दयालु थे। वे मन को वश में रखने वाले और सत्य प्रतिज्ञ थे। वे जितेंद्रिय थे, शांत, महाज्ञानी और संपूर्ण तत्वों के मर्मज्ञ थे। उन्होंने भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए बड़ी भारी तपस्या की। बुद्धिमान मार्कंडे की आराधना करने पर जगदीश्वर भगवान विष्णु ने उन्हें प्राण संहिता बनाने का वर दिया। चिरंजीवी मार्कंडे जी सुदर्शन चक्रधारी देवादिदेव भगवान विष्णु के महान भक्त और उनके तेज के अंश। यह संसार जब एकार्णों के जल में विलीन हो जाएगा, उस समय भी उन्हें अपना प्रभाव दिखाने के लिए भगवान विष्णु ने उनका संहार नहीं किया। मार्कंडो पुत्र मार्कंडे बड़े बुद्धिमान और विष्णु भक्त थे। भगवान श्री हरि स्वयं जब तक सोते रहे, तब तक मार्कंडे जी वहां खड़े रहे। उस समय का माप मैं बतला रहा हूं, सुनिए। 15 निमेश की एक काष्ठा बताई गई है, 30 काष्ठा की एक कला समझनी चाहिए। 30 कला का एक क्षण होता है और 6 क्षणों की एक घड़ी मानी गई है। 2 घड़ी का एक मुहूर्त और 30 मुहूर्त का एक दिन होता है। 30 दिन का एक मास होता है और 1 मास में 2 पक्ष होते हैं। 2 मास का 1 ऋतु और 3 ऋतुओं का 1 अयन होता है। 2 अयन से 1 वर्ष बनता है, जो देवताओं का 1 दिन होता है। उत्तरायण देवताओं का दिन है और दक्षिणायन उनकी रात्रि है। मनुष्यों के 1 मास के बराबर पितरों का 1 दिन कहा जाता है। इसलिए सूर्य और चंद्रमा के संयोग में अर्थात अमावस्या के दिन उत्तम पितृकल्प जानना चाहिए। 12,000 दिव्य वर्षों का 1 देवत युग होता है। 2,000 देवत युग के बराबर ब्रह्मा के 1 दिन रात्रि का मान है। वह मनुष्यों के लिए सृष्टि और परले दोनों मिलकर
ब्रह्मा का दिन रात रूप एक कल्प है। 71 दिव्य चतुर्युग का एक मनवंतर होता है और 14 मनवंतरों से ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है। जितना बड़ा ब्रह्मा जी का दिन होता है उतनी ही बड़ी उनकी रात्रि भी बताई गई है। ब्रह्मा जी की रात्रि के समय तीनों लोकों का नाश हो जाता है। मानव वर्ष गणना के अनुसार उसका जो प्रमाण है वो सुनो, 1000 चतुर्युग, 4000 युग का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसे ही 30 दिनों का एक मास और 12 महीनों का उनका एक वर्ष समझना चाहिए। ऐसे 100 वर्षों से उनकी आयु पूरी होती है। उनके कालमान के अनुसार उनकी संपूर्ण आयु का समय 2 प्रार्ध का होता है। ब्रह्मा जी का 2 प्रार्ध भगवान विष्णु के लिए एक दिन समझना चाहिए। इतनी ही बड़ी उनकी रात्रि भी बताई गई है। मृकंडु नंदन मार्कंडे जी उतने ही समय तक उस भयंकर एकार्णव के जल में भगवान विष्णु की शक्ति से बलवान होकर सूखे पत्तों की भांति खड़े रहे। उस समय वे श्री हरि के समीप परमात्म तत्व का ध्यान करते हुए स्थित थे। तंतर परले काल का अंत समय आने पर योग निद्रा से मुक्त हो श्री हरि ने ब्रह्मा जी के रूप से इस चराचर जगत की रचना की। जल का उपसंहार और जगत की नूतन सृष्टि देखकर मार्कंडे जी चकित हो गए। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर श्री हरि के चरणों में प्रणाम किया। महामुनि मार्कंडे ने सिर पर अंजलि बांधे। नित्य आनंद स्वरूप श्री हरि का प्रिय वचनों द्वारा इस प्रकार स्तवन किया। मार्कंडे जी बोले, जिनके सहस्त्रों मस्तक हैं, रोग शोक आदि विकार से जो सर्था रहित हैं, जिनका कोई आधार नहीं है, स्वयं ही सबके आधार हैं, तथा जो सर्वत्र व्यापक हैं, मनुष्यों से सदा प्रार्थित होने वाले उन भगवान नारायण देव को मैं सदा प्रणाम करता हूँ। जो प्रणाम से परे तथा जरावस्था से रहित हैं, नित्य एवं सच्चिदानंद स्वरूप हैं, तथा जहाँ कोई तर्क या संकेत काम नहीं देता, उन भगवान जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूँ। जो परम अक्षर नित्य विश्व के आदि कारण तथा जगत के उत्पत्ति स्थान हैं, उन सर्व तत्वों में शांत स्वरूप भगवान जनार्दन को मैं नमस्कार करता हूँ। जो प्रातन पुरुष सब प्रकार की सिद्धियों में संपन्न और संपूर्ण ज्ञान के एकमात्र आश्रय हैं, जिनका स्वरूप परे से भी अति परे है, उन भगवान जनार्दन को मैं नमस्कार करता हूँ। जो परम ज्योति परम धाम तथा परम पवित्र पद है, जिनके सबके साथ एक रूपता है, उन परमात्मा जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूँ। सत्य चित्त और आनंद ही जिनका स्वरूप है, जो सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी परम पद है, उन सर्वस्व रूप श्रेष्ठ सनातन भगवान जनार्दन को मैं नमस्कार करता हूँ। जो सगुण निर्गुण शांत मायातीत और विशुद्ध माया के अधिपति हैं, तथा जो रूप रहित होते हुए भी अनेक रूप वाले हैं, उन भगवान जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूँ। जो भगवान इस जगत की सृष्टि पालन और संहार करते हैं, उन आदिदेव भगवान जनार्दन को मैं नमस्कार करता हूँ। परेश परमानंद शरणागत वत्सल दया सागर मेरी रक्षा कीजिए। मन वाणी से अतीत परमेश्वर आपको नमस्कार है। विप्रवर नारद जी, शंख चक्र और गदा धारण करने वाले जगत गुरु भगवान विष्णु इस प्रकार स्तुति करने वाले मार्कंडे जी से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक बोले। भगवान जी ने मार्कंडू जी से कहा, श्रेष्ठ संसार में जो भक्त पुरुष मुझ भगवान की भक्ति में चित्त लगाए रहने वाले हैं, उन पर संतुष्ट हूं, मैं सदा उनकी रक्षा करता हूं, इसमें संदेह नहीं है। भगवत भक्त रूप से अपने को छिपाकर मैं ही सदा सब लोगों की रक्षा करता हूं। अब मार्कंडे जी पूछने लगे भगवान जी से, भगवान भगवत भक्त के क्या लक्षण हैं? किस कर्म से मनुष्य भगवत भक्त होते हैं? वह मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि इस बात को जानने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है। तो भगवान जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ भक्त भक्तों के लक्षण बताता हूँ, सुनो।
उनके प्रभाव अथवा महिमा का वर्णन करोड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। जो संपूर्ण जीवों के हितैषी हैं, जिनमें दूसरों के दोष देखने की आदत नहीं है, जो ईर्ष्या से रहित हैं, मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले हैं, निष्काम एवं शांत हैं, वे ही भगवत भक्तों में श्रेष्ठ माने गए हैं। जो मन वाणी तथा क्रिया द्वारा दूसरों को कभी पीड़ा नहीं देते तथा जिनमें संग्रह अथवा कुछ ग्रहण करने का स्वभाव नहीं है, वे भगवत भक्त माने गए हैं। जिनको सात्विक बुद्धि, उत्तम भगवत संबंधी कथा वार्ता सुनने में स्वभावता लगी रहती है तथा जो भगवान और उनके भक्तों के भी भक्त होते हैं, वे श्रेष्ठ भक्त माने जाते हैं। जो श्रेष्ठ मानव माता और पिता के प्रति गंगा और विश्वनाथ का भाव रखकर उनकी सेवा करते हैं, वे भी श्रेष्ठ भगवत भक्त हैं। जो भगवान जी के पूजन में रत हैं, जो इसमें सहायक होते हैं तथा जो भगवान जी की पूजा देखकर उसका अनुमोदन करते हैं, वे उत्तम भगवत भक्त हैं। जो व्रतियों तथा यतियों की सेवा में संलग्न तथा प्राय निंदा से दूर रहते हैं, वे श्रेष्ठ भागवत हैं। जो श्रेष्ठ मनुष्य सबके लिए हितकारक वचन बोलते हैं और सबके गुणों को ही ग्रहण करने वाले हैं, वे इस लोक में भगवत भक्त माने गए हैं। जो श्रेष्ठ मानव सब जीवों को अपने ही समान देखते तथा शत्रु और मित्र में भी समान भाव रखते हैं, वे उत्तम भगवत भक्त हैं। जो धर्मशास्त्र के वक्ता, सत्यवादी तथा साधु पुरुषों के सेवक हैं, वे भगवत भक्तों में श्रेष्ठ कहे जाते हैं। जो पुराणों की व्याख्या करते, जो पुराण सुनते और पुराण वक्ता में श्रद्धा भक्ति रखते हैं, वे श्रेष्ठ भगवत भक्त हैं। जो मनुष्य सदा गऊओं तथा ब्राह्मणों की सेवा करते तथा तीर्थ यात्रा में लगे रहते हैं, वे श्रेष्ठ भगवत भक्त हैं। जो मनुष्य दूसरों का अभ्युदय देखकर प्रसन्न होते और भगवान नाम का जप करते रहते हैं, वे उत्तम भागवत हैं। जो बगीचे लगवाते, तालाब और पोखरों की रक्षा करते तथा बावड़ी और कुएं बनवाते हैं, वे उत्तम भक्त हैं। जो तालाब और देव मंदिर बनवाते तथा गायत्री मंत्र के जप में संलग्न रहते हैं, वे श्रेष्ठ भक्त हैं। जो हरि नाम का आदर करते, उन्हें सुनकर अत्यंत हर्ष में भर जाते और पुलकित हो उठते हैं, वे श्रेष्ठ भगवत भक्त हैं। जो मनुष्य तुलसी का बगीचा देखकर उसको नमस्कार करते और कानों में तुलसी काष्ठ धारण करते हैं, वे उत्तम भगवत भक्त हैं। जो तुलसी की गंध सूंघकर तथा उसकी जड़ के समीप की मिट्टी को सूंघकर प्रसन्न होते हैं, वे भी श्रेष्ठ भक्त हैं। जो वर्ण आश्रम धर्म के पालन में तत्पर, अतिथियों का सत्कार करने वाले तथा वेदार्थ के वक्ता होते हैं, वे श्रेष्ठ भागवत माने गए हैं। जो भगवान शिव से प्रेम रखने वाले, शिव के चिंतन में ही आसक्त रहने वाले तथा शिव के चरणों की पूजा में तत्पर एवं त्रिपुंड धारण करने वाले हैं, वे भी श्रेष्ठ भक्त हैं। जो भगवान विष्णु तथा परमात्मा शिव के नाम लेते तथा रुद्राक्ष की माला से विभूषित होते हैं, वे श्रेष्ठ भगवत भक्त हैं। जो बहुत दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा महादेव जी का अथवा भगवान विष्णु का उत्तम भक्ति से यजन करते हैं, वे श्रेष्ठ भगवत भक्त हैं। जो पढ़े हुए शास्त्रों का दूसरे के हित के लिए उपदेश करते और सर्वत्र गुण ही ग्रहण करते हैं, वे उत्तम भक्त माने गए हैं। परमेश्वर शिव तथा परमात्मा विष्णु में जो सम बुद्धि में प्रवृत्त होते हैं, वे श्रेष्ठ भक्त माने गए हैं। जो शिव की प्रसन्नता के लिए अग्निहोत्र में तत्पर पंचाक्षर मंत्र के जप में संलग्न तथा शिव के ध्यान में अनुरक्त रहते हैं, वे उत्तम भागवत हैं। जो जल दान में तत्पर अन्नदान में संलग्न तथा एकादशी व्रत के पालन में लगे रहने वाले हैं, वे श्रेष्ठ भक्त हैं। जो गौदान करते, कन्यादान में तत्पर रहते और मेरी प्रसन्नता के लिए सत्कर्म करते, वे श्रेष्ठ भगवत भक्त हैं। विप्रवर मार्कंडे, यहाँ पर कुछ भी भगवत भक्तों का वर्णन किया है, मैं भी 100 करोड़ वर्षों में भी उन सब का पूरा पूरा वर्णन नहीं कर सकता। अतः विप्रवर, तुम भी सदा उत्तम शील से युक्त होकर रहो, समस्त प्राणियों को आश्रय दो, मन और इंद्रियों को वश में रखो, सबके प्रति मैत्री भाव रखते हुए धर्म आचरण में लगे रहो, पुनः महापरले काल तक सब धर्मों का पालन करते हुए
मेरे स्वरूप के ध्यान में तत्पर रहकर तुम परम मोक्ष प्राप्त कर लोगे। देवताओं के स्वामी दया सिंधु भगवान विष्णु अपने भक्त मार्कंडेय को इस प्रकार वरदान देकर वहीं अंतर ध्यान होंगे। महाभाग मार्कंडेय जी सदा भगवान जी के भजन में लगे रहकर उत्तम धर्म का पालन करने लगे। उन्होंने अनेक प्रकार के यज्ञ द्वारा विधि पूर्वक भगवान जी का पूजन किया, फिर महाक्षेत्र शालग्राम तीर्थ में उत्तम तपस्या की और भगवान जी के ध्यान द्वारा कर्म बंधन का नाश करके परम मोक्ष प्राप्त कर लिया। इसलिए भगवान जी की आराधना करने वाला भक्त पुरुष समस्त प्राणियों का हितकारी होता है। वे मन में जो जो वस्तुएं पाना चाहता है वे सब निसंदेह प्राप्त कर लेता है। सनक जी कहते हैं, विप्रवर नारद, तुमने जो कुछ पूछा था उसके अनुसार ये सब भगवत भक्ति का महत्व मैंने तुम्हें बताया है, अब और क्या सुनना चाहते हो? सूत जी कहते हैं, भगवान जी की भक्ति का यह महात्म्य सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ज्ञान विज्ञान के पारगामी सनक मुनि से पुनः इस प्रकार प्रश्न किया। नारद जी बोले, मुनि, आप शास्त्रों के पारदर्शी विद्वान हैं, मुझ पर बड़ी भारी दया करके ये ठीक ठीक बताइए कि क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र तथा तीर्थों में उत्तम तीर्थ कौन से हैं। तो सनक जी ने कहा, ब्राह्मण, ये परम गोपनीय प्रसंग है, सुनो। उत्तम क्षेत्रों का ये वर्णन सब प्रकार की संपत्तियों को देने वाला, श्रेष्ठ, बुरे सपनों का नाशक, पवित्र, धर्म अनुकूल, पापहारी तथा शुभ है। मुनियों को नित्य निरंतर इसका श्रवण करना चाहिए। गंगा और जमुना का जो संगम है उसी को महर्षि लोग शास्त्रों में उत्तम क्षेत्र तथा तीर्थों में उत्तम तीर्थ कहते हैं। ब्रह्मा आदि समस्त देवता मुनि तथा पुण्य की इच्छा रखने वाले सब मनुष्य श्वेत और श्याम जल से भरे हुए उस संगम तीर्थ का सेवन करते हैं। गंगा को परम पवित्र नदी समझना चाहिए क्योंकि वह भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई है। इसी प्रकार जमुना भी साक्षात सूर्य की पुत्री है। इन दोनों का समागम परम कल्याणकारी है। नदियों में श्रेष्ठ गंगा स्मरण मात्र से समस्त क्लेशों का नाश करने वाली, संपूर्ण पापों को दूर करने वाली तथा सारे उपद्रवों को मिटा देने वाली है। समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर जो जो पुण्य क्षेत्र हैं उन सबसे अधिक पुण्यतम श्रेष्ठ क्षेत्र प्रयाग को ही जानना चाहिए, जहाँ ब्रह्मा जी ने यज्ञ द्वारा भगवान लक्ष्मीपति का यजन किया है तथा सब महर्षियों ने भी वहाँ नाना प्रकार के यज्ञ किए हैं। सब तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होते हैं वे सब मिलकर गंगा जी के एक बूंद जल से किए हुए अभिषेक की 16 कला की भी क्षमता नहीं कर सकते। जो गंगा से 100 योजन दूर खड़ा होकर भी गंगा गंगा का उच्चारण करता है वह भी सब पापों से मुक्त हो जाता है। फिर जो गंगा में स्नान करता है उसके लिए तो कहना ही क्या है। भगवान विष्णु के चरण कमलों से प्रकट होकर भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान होने वाली भगवती गंगा मुनियों और देवताओं के द्वारा भी बड़ी भांति सेवन करने योग्य है। फिर साधारण मनुष्यों के लिए तो बात ही क्या है। श्रेष्ठ मनुष्य अपने ललाट में जहाँ गंगा जी की बालू का तिलक लगाते हैं वहीं अर्धचंद्र के नीचे प्रकाशित होने वाला तृतीय नेत्र समझना चाहिए। गंगा में किया हुआ स्नान महान पुण्यदायक तथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वे भगवान विष्णु का सारूप्य देने वाला होता है। इससे बढ़कर उसकी महिमा के विषय में और क्या कहा जा सकता है। गंगा में स्नान करने वाले पापी भी सब पापों से मुक्त होकर श्रेष्ठ विमान पर बैठकर परम धाम वैकुंठ को चले जाते हैं। जिन्होंने गंगा में स्नान किया है वे महात्मा पुरुष पिता और माता की कुल की बहुत सी पीढ़ियों को उद्धार करके भगवान विष्णु के धाम में चले जाते हैं। जो गंगा जी का स्मरण करता है उसने सब तीर्थों में स्नान और सभी पुण्य क्षेत्रों में निवास कर लिया, इसमें संशय नहीं है। गंगा स्नान किए हुए मनुष्य को देखकर पापी भी स्वर्ग लोक का अधिकारी हो जाता है। उसके अंगों का स्पर्श करने मात्र से वह देवताओं का अधिपति हो जाता है। गंगा, तुलसी, भगवान जी के चरणों में अविचल भक्ति तथा धर्म उपदेशक, सतगुरु में श्रद्धा, ये सब मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ हैं। उत्तम धर्म का उपदेश देने वाले गुरु के चरणों की धूल, गंगा जी की मृतिका तथा तुलसी वृक्ष के मूल भाग की मिट्टी को जो मनुष्य भक्ति पूर्वक अपने मस्तक पर धारण करता है वह वैकुंठ धाम को जाता है। जो मनुष्य मन ही मन ये अभिलाषा करता है कि मैं कब गंगा जी के समीप जाऊंगा
और कब उनका दर्शन करूँगा, वह भी वैकुंठ धाम को जाता है। दूसरी बातें बहुत कहने से क्या लाभ, साक्षात भगवान विष्णु भी सैकड़ों वर्षों में गंगा जी की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। माया सारे जगत को मोह में डाले हुए है, ये कितनी अद्भुत बात है, क्योंकि गंगा और उसके नाम के रहते हुए भी लोग नरक में जाते हैं। गंगा जी का नाम संसार दुख का नाश करने वाला बताया गया है। तुलसी के नाम तथा भगवान जी की कथा कहने वाले साधु पुरुष के प्रति की हुई भक्ति का भी यही फल है। जो एक बार भी गंगा इस दो अक्षर का उच्चारण कर लेता है, वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। परम पुण्य में इस गंगा नदी का यदि मेष, तुला और मकर की संक्रांतियों में अर्थात वैशाख मास, कार्तिक मास और माघ मास के महीने में भक्तिपूर्वक सेवन किया जाए, तो सेवन करने वाले संपूर्ण जगत को ये पवित्र कर देती है। गोदावरी, भीमरथी, कृष्णा, नर्मदा, सरस्वती, तुंगभद्रा, कावेरी, जमुना, बाहुदा, वेत्रवती, ताम्रपर्णी तथा सरयू आदि सब तीर्थों में गंगा जी ही सबसे प्रधान मानी गई हैं। जैसे सर्वव्यापी भगवान विष्णु संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हैं, उसी प्रकार सब पापों को नाश करने वाली गंगा देवी सब तीर्थों में व्याप्त है। महान आश्चर्य है, परम पावनी जगदम्बी गंगा स्नान पान आदि के द्वारा संपूर्ण संसार को पवित्र कर रही है, फिर सभी मनुष्य इसका सेवन क्यों नहीं करते। इसी प्रकार विख्यात काशीपुरी भी तीर्थों में उत्तम तीर्थ और क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र है, समस्त देवता उसका सेवन करते हैं। इस लोक में कान वाले पुरुषों के वे ही दोनों कान धन्य हैं और वे ही बहुत से शास्त्रों का ज्ञान धारण करने वाले हैं, जिनके द्वारा बारंबार काशी का नाम श्रवण किया जाता है। जो मनुष्य अविमुक्त क्षेत्र काशी का स्मरण करते हैं, वे सब पापों का नाश करके भगवान शिव के लोक में चले जाते हैं। मनुष्य 100 योजन दूर रहकर भी यदि अविमुक्त क्षेत्र का स्मरण करता है, तो वह बहुत तेरे पातकों से भरा होने पर भी भगवान शिव के रोग शोक रहित नित्य धाम को चला जाता है। जो प्राण निकलते समय अविमुक्त क्षेत्र का स्मरण कर लेता है, वह भी सब पापों से छूटकर शिव के धाम को प्राप्त हो जाता है। काशी के गुणों के विषय में यहाँ बहुत कहने से क्या लाभ, जो काशी का नाम भी लेते हैं, उनसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ दूर नहीं रहते। गंगा और जमुना का संगम प्रयाग तो काशी से भी बढ़कर है, क्योंकि उनके दर्शन मात्र से मनुष्य परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। सूर्य के मकर राशि पर रहते समय जहाँ कहीं भी गंगा के स्नान किया जाए, वे स्नान पान आदि के द्वारा संपूर्ण जगत को पवित्र करती और अंत में इंद्र लोक पहुँचती है। लोक का कल्याण करने वाले लिंग स्वरूप भगवान शंकर भी जिस गंगा का सदा सेवन करते हैं, उनकी महिमा का पूरा पूरा वर्णन कैसे किया जा सकता है। शिवलिंग साक्षात श्री हरि रूप है और श्री हरि साक्षात शिवलिंग रूप है, इन दोनों में थोड़ा भी अंतर नहीं है। जो इनमें भेद करता है, उनकी बुद्धि खोटी है। अज्ञान के समुद्र में डूबे हुए पापी मनुष्य ही आदि अंतरहित भगवान विष्णु और शिव में भेदभाव करते हैं। जो संपूर्ण जगत के स्वामी और कारणों के भी कारण हैं, वे भगवान विष्णु ही परले काल में रुद्र रूप धारण करते हैं, ऐसा विद्वान पुरुषों का कथन है। भगवान रुद्र ही विष्णु रूप से संपूर्ण जगत का पालन करते हैं, वे ही ब्रह्मा जी के रूप से संसार की सृष्टि करते हैं तथा अंत में हर रूप से वे तीनों लोकों का संहार करते हैं। जो मनुष्य भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा जी में भेद बुद्धि करता है, वे अत्यंत भयंकर नरक में जाता है। जो भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी को एक रूप से देखता है, वे परम आनंद को प्राप्त होता है, ये शास्त्रों का सिद्धांत है। जो अनादि सर्वज्ञ जगत के आदि श्रेष्ठा तथा सर्वत्र व्यापक हैं, वे भगवान विष्णु ही शिवलिंग रूप से काशी में विद्यमान हैं। काशीपुरी का विश्वेश्वरलिंग ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। श्रेष्ठ मनुष्य उसका दर्शन करके परम ज्योति को प्राप्त होता है। जिसने त्रिभुवन को पवित्र करने वाली काशीपुरी की परिक्रमा कर ली, उसके द्वारा समुद्र, पर्वत तथा 7 द्वीपों सहित पृथ्वी की परिक्रमा हो गई। धातु, मिट्टी, लकड़ी, पत्थर अथवा चित्र आदि से निर्मित जो भगवान शिव अथवा विष्णु की निर्मल प्रतिमाएं हैं, उन सब में भगवान विष्णु विद्यमान हैं।
जहाँ तुलसी का बगीचा, कमलों का वन और पुराणों का पाठ हो, वहाँ भगवान विष्णु स्थित रहते हैं। पुराण की कथा सुनने में जो प्रेम होता है वह गंगा स्नान के समान है, तथा पुराण की कथा कहने वाले व्यास के प्रति जो भक्ति होती है वह प्रयाग के तुल्य मानी गई है। जो पुराणोक्त धर्म का उपदेश देकर जन्म मृत्यु रूप संसार सागर में डूबे हुए जगत का उद्धार करता है वह साक्षात श्री हरि का स्वरूप बताया गया है। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, माता के समान कोई गुरु नहीं है, भगवान विष्णु के समान कोई देवता नहीं है, तथा गुरु से बढ़कर कोई तत्व नहीं है। जैसे चारों वर्णों में ब्राह्मण, नक्षत्रों में चंद्रमा, सरोवरों में समुद्र श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पुण्य तीर्थों और नदियों में गंगा सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। शांति के समान कोई बंधु नहीं है, सत्य से बढ़कर कोई तप नहीं है, मोक्ष से बढ़कर कोई लाभ नहीं है, और गंगा के समान कोई नदी नहीं है। गंगा जी का उत्तम नाम पाप रूपी वन को भस्म करने के लिए दावानल के समान है। गंगा संसार रूपी रोग को दूर करने वाली है, इसलिए यत्नपूर्वक उसका सेवन करना चाहिए। गायत्री और गंगा दोनों समस्त पापों को हर लेने वाली मानी गई हैं। जो इन दोनों के प्रति भक्ति भाव से रहित है उसे पतित समझना चाहिए। गायत्री वेदों की माता है और जाहनी गंगा संपूर्ण जगत की जननी है। वे दोनों समस्त पापों के नाश का कारण है। जिस पर गायत्री प्रसन्न होती है उस पर गंगा जी भी प्रसन्न होती हैं। वे दोनों भगवान विष्णु की शक्ति से संपन्न हैं, अतः संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि देने वाली गंगा और गायत्री धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों के फल रूप में प्रकट हुई हैं। ये दोनों निर्मल तथा परम उत्तम हैं और संपूर्ण लोकों पर अनुग्रह करने के लिए प्रवृत्त हुई हैं। मनुष्यों के लिए गायत्री और गंगा दोनों अत्यंत दुर्लभ हैं। इसी प्रकार तुलसी जी के प्रति भक्ति और भगवान विष्णु के प्रति सात्विक भक्ति भी दुर्लभ है। महाभागा गंगा स्मरण करने पर समस्त पापों का नाश करने वाली, दर्शन करने पर भगवान विष्णु का लोक देने वाली तथा जल पीने पर भगवान जी का सारूप्य प्रदान करने वाली है। उसमें स्नान कर लेने पर मनुष्य भगवान विष्णु के उत्तम धाम को जाते हैं। जगत का धारण पोषण करने वाली सर्वव्यापी सनातन भगवान नारायण गंगा स्नान करने वाले मनुष्यों को मनवांछित फल देते हैं। जो श्रेष्ठ मानव गंगा जल के एक कण से भी अभिषिक्त होता है वह सब पापों से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त कर लेता है। गंगा जी के जल बिंदु का सेवन करने मात्र से राजा सगर की संतति परम पद को प्राप्त हुई। नारद जी ने पूछा सनक जी से, मुनि श्रेष्ठ, राजा सगर कौन थे वह सब मुझे बताने की कृपा कीजिए। तो सनक जी ने कहा, मुनिवर, गंगा जी का उत्तम महात्म्य सुनिए। जिसके जल का स्पर्श होने मात्र से राजा सगर का कुल पवित्र हो गया और संपूर्ण लोकों में सबसे उत्तम वैकुंठ धाम को चला गया। सूर्यवंश में बाहु नाम वाले एक राजा हो गए हैं। उनके पिता का नाम वृक था। बाहु बड़े धर्मपरायण राजा थे और सारी पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करते थे। उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य जीवों को अपने अपने धर्म की मर्यादा में स्थापित किया था। महाराज बाहु ने सातों द्वीपों में सात अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों को गायें, भूमि, सोना, वस्त्र आदि देकर भली भांति उनको तृप्त किया। नीति शास्त्र के अनुसार उन्होंने चोर डाकुओं को यथेष्ट दंड देकर शासन में रखा और दूसरों का संताप दूर करके अपने को कृतार्थ माना। पृथ्वी पर बिना जोते बोए अन्न पैदा होता था और वह फल फूल से भरी रहती थी। देवराज इंद्र उनके राज्य की भूमि पर समय अनुसार अपने आप ही वर्षा कर देते थे और पापाचारियों का अंत हो जाने के कारण वहां की प्रजा धर्म से सुरक्षित रहती थी। एक समय राजा बाहु के मन में असूया अर्थात गुणों में दोष दृष्टि के साथ बड़ा भारी अहंकार उत्पन्न हो गया, जो सब संपत्तियों का नाश करने वाला तथा अपने विनाश का ही हेतु है। अहंकार में सोचने लगे, मैं समस्त लोगों का पालन करने वाला बलवान राजा हूं। मैंने बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया है।
मुझसे पूजनीय दूसरा कौन है? मैं विद्वान हूँ, श्रीमान हूँ, मैंने सब शत्रुओं को जीत लिया है, मुझे वेद और वेदांगों के तत्व का ज्ञान है और नीति शास्त्र का तो मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ, मुझे कोई जीत नहीं सकता, मेरे ऐश्वर्य की हानि नहीं पहुँचा सकता, इस पृथ्वी पर मुझसे बढ़कर दूसरा कोई है अर्थात कोई नहीं है। इस प्रकार अहंकार के वशीभूत होने पर उसके मन में दूसरों के प्रति दोष दृष्टि हो गई। दोष दृष्टि होने से उस राजा के हृदय में काम प्रबल हो उठा। इन सब दोषों के स्थित होने पर मनुष्य का विनाश होना निश्चित है। यौवन, धन संपत्ति, प्रभुता और अविवेक, इनमें से एक एक भी अनर्थ का कारण होता है। फिर जहां ये चारों मौजूद हो जाएं, तो वहां के लिए तो कहना ही क्या है, उनके भीतर बड़ी भारी असूया पैदा हो गई, जो लोक का विरोध, अपने देह का नाश तथा सब संपत्तियों का अंत करने वाली होती है। असूया से भरे हुए चित्त वाले पुरुषों के पास यदि धन संपत्ति मौजूद हो तो उसे भूसे की आग में वायु के संयोग के समान समझो। जिनका चित्त दूसरों के दोष देखने में लगा रहता है, जो पाखंड पूर्ण आचार का पालन करते हैं तथा सदा कटुवचन बोला करते हैं, उन्हें इस लोक में और परलोक में भी सुख नहीं मिलता है। जिनका मन असूया दोष से दूषित है तथा जो सदा निष्ठुर भाषण किया करते हैं, उनके प्रियजन, पुत्र तथा भाई बंधु भी शत्रु बन जाते हैं। जो प्रायः स्त्री को देखकर मन ही मन उसे प्राप्त करने की अभिलाषा करता है, वे अपनी संपत्ति का नाश करने के लिए स्वयं ही कुठार बन गया है, इसमें संशय नहीं है। जो मनुष्य अपने कल्याण का नाश करने के लिए प्रयत्न करता है, वही दूसरों का कल्याण देखकर अपनी कुत्सित बुद्धि के कारण उनसे डा करने लगता है, उनसे जलने लगता है। जो मित्र, संतान, गृह, क्षेत्र, धन धान्य और पशु सबकी हानि देखना चाहता हो, वही सदा दूसरों से असूया करे। तदंतर जब राजा बाहु का हृदय असूया दोष से दूषित हो जाने के कारण वे अत्यंत उद्दंड हो गए, तब हे और ताल झंग कुल के क्षत्रिय उनके प्रबल शत्रु बन गए। असूया होने पर दूसरे जीवों के साथ द्वेष बहुत बढ़ जाता है, इसमें संदेह नहीं है। असूया से दूषित चित्त वाले उस राजा का अपने शत्रुओं के साथ लगातार एक मास तक भयंकर युद्ध होता रहा। अंत में वे अपने वैरी हे और तालझंग नाम वाले क्षत्रियों से परास्त हो गए। अतः दुखी होकर राजा बाहु अपनी गर्भवती पत्नी के साथ वन में चले गए। वहां एक बहुत बड़ा तालाब देखकर उन्हें बड़ा संतोष हुआ, परंतु उनके मन में तो असूया भरी हुई थी, इसलिए उनका भाव देखकर उस जलाशय के पक्षी भी इधर उधर छिप गए। ये बड़े आश्चर्य की बात हुई। उस समय बड़ी उतावली के साथ अपने घोंसलों में समाते हुए वे पक्षी इस प्रकार कह रहे थे, अहो बड़े कष्ट की बात है, यहां तो कोई भयानक पुरुष आ गया। राजा ने अपनी दोनों पत्नियों के साथ उस सरोवर में प्रवेश करके जल पिया और वृक्ष के नीचे उनके सुखद छाया में जा बैठे। गुणवान मनुष्य कोई भी क्यों ना हो, वह सबके लिए श्लाघ्य होता है और सब प्रकार की संपत्तियों से युक्त होने पर भी गुणहीन मनुष्य सदा लोगों से निंदित ही होता है। उस समय बाहु की बहुत निंदा हुई थी, वे संसार में अपने पुरुषार्थ और यश का नाश करके मरे हुए की भांति वन में रहते थे। अकीर्ति के समान कोई मृत्यु नहीं है, क्रोध के समान कोई शत्रु नहीं है, निंदा के समान कोई पाप नहीं है और मोह के समान कोई भय नहीं है, असूया के समान कोई अपकीर्ति नहीं है, काम के समान कोई आग नहीं है, राग के समान कोई बंधन नहीं है और संग तथा आसक्ति के साथ कोई प्रिय नहीं है, कोई विष नहीं है। इस प्रकार बहुत विलाप करके राजा बाहु अत्यंत दुखित हो गए। मानसिक संताप और बुढ़ापे के कारण उनका शरीर जर्जरी भूत हो गया।
इस तरह बहुत समय बीतने के पश्चात और मुनि के आश्रम के निकट रोग से ग्रस्त होकर राजा बाहु संसार से चल बसे। उनकी छोटी पत्नी यद्यपि गर्भवती थी तो भी दुख से आतुर होकर दीर्घ काल तक विलाप करके उसने पति के साथ चिता पर जल मरने का विचार किया। इसी बीच में परम बुद्धिमान और मुनि जो महान तेज की निधि थे वहां पर आ पहुंचे। उन्होंने उत्तम समाधि के द्वारा ये सब वृतांत जान लिया था। मुनीश्वरगण तीनों कालों के ज्ञाता होते हैं। वे असूया रहित महात्मा अपनी ज्ञान दृष्टि से भूत भविष्य और वर्तमान सब कुछ देख लेते हैं। परम पुण्य आत्मा और मुनि अपनी तपस्या के कारण तेज की राशि जान पड़ते थे। वे उसी स्थान पर आए जहां राजा बाहु की प्यारी एवं पतिव्रता पत्नी खड़ी थी। मुनिश्रेष्ठ नारद रानी को चिता पर चढ़ने के लिए उद्यत देखकर मुनिवर और धर्म मूलक वचन कहने लगे और ने कहा, महाराज बाहु की प्यारी पत्नी तो पतिव्रता है, किंतु चिता पर चढ़ने का अत्यंत साहसपूर्ण कार्य मत कर। तेरे घर में शत्रुओं का नाश करने वाला चक्रवर्ती बालक है। कल्याणमयी राजपुत्री, जिनकी संतान बहुत छोटी हो, जो गर्भवती हो, जिन्होंने अभी ऋतुकाल ना देखा हो तथा जो रस वाला हो, ऐसी स्त्रियां पति के साथ चिता पर नहीं चढ़ती। उनके लिए चित आरोहण का निषेध है, चितारोहण का निषेध है। श्रेष्ठ पुरुषों ने ब्रह्म हत्या आदि पापों का प्रायश्चित बताया है। पाखंडी और पर निंदक का भी उद्धार होता है, किंतु जो गर्भ के बालक की हत्या करता है उसके उद्धार का कोई उपाय नहीं है। नास्तिक कृतघ्न धर्म त्यागी और विश्वासघाती के उद्धार का भी कोई उपाय नहीं है। अतः शोभने, तुझे यह महान पाप नहीं करना चाहिए। मुनि के इस प्रकार कहने पर पतिव्रता रानी को उनके वचनों पर विश्वास हो गया और वह अत्यंत दुख से पीड़ित होकर अपने मरे हुए पति के चरण कमलों को पकड़कर विलाप करने लगी। महात्मा और सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। वे रानी से पुनः बोले, राजकुमारी तू रो मत, तुझे श्रेष्ठ राज्य लक्ष्मी प्राप्त होगी। इस समय सज्जन पुरुषों के सहयोग से इस मृतक शरीर का दाह संस्कार करना उचित है, अतः शोक त्याग कर तो सम्योचित कार्य कर। पंडित हो या मूर्ख, दरिद्र हो या धनवान, तथा दुराचारी हो या सदाचारी, सब पर मृत्यु की समान दृष्टि है। नगर में हो या वन में, समुद्र में हो या पर्वत पर, जिस जीव ने जो कर्म किया है उसे उसका भोग अवश्य करना होगा। जैसे दुख बिना बुलाए ही प्राणियों के पास चले आते हैं, उसी प्रकार सुख भी आ सकते हैं, ऐसी मेरी मान्यता है। इस विषय में देव ही प्रबल है। पूर्व जन्म के जो जो कर्म हैं उन्हीं को यहां भोगना पड़ता है। जीव गर्भ में हो या बाल्यावस्था में, जवानी में हो या बुढ़ापे में, उन्हें मृत्यु के अधीन अवश्य होना पड़ता है। अतः सुव्रते, इस दुख को त्याग कर तो सुखी हो जा। पति की अंत्येष्टि संस्कार करके और विवेक के द्वारा स्थिर हो जा। ये शरीर कर्म पाश में बंधा हुआ तथा हजारों दुख और व्याधियों से घिरा हुआ है। इसमें सुख का तो आभास ही है, आभास का सिर्फ लेश मात्र ही है, क्लेश ही दिख होता है। परंतु बुद्धिमान और मुनि ने रानी को इस प्रकार समझा बुझाकर उससे दाह संबंधी सब कार्य करवाए। फिर उसने शोक त्याग दिया और मुनीश्वर को प्रणाम करके कहा, भगवान, आप जैसे संत दूसरों की भलाई की ही अभिलाषा रखते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। पृथ्वी पर जितने भी वृक्ष हैं वे अपने उपभोग के लिए नहीं फलते, उनका फल दूसरों के ही काम आता है। इसलिए जो दूसरों के दुख से दुखी और दूसरों की प्रसन्नता से प्रसन्न होता है वही नर रूपधारी जगदीश्वर नारायण है। संत पुरुष दूसरों का दुख दूर करने के लिए शास्त्र सुनते हैं और अवसर आने पर सबका दुख दूर करने के लिए शास्त्रों के वचन कहते हैं। जहां संत रहते हैं वहां दुख नहीं सताता, क्योंकि जहां सूर्य है वहां अंधकार कैसे रह सकता है।
इस प्रकार कहकर रानी ने उस तालाब के किनारे मुनि की बताई हुई विधि के अनुसार अपने पति की अन्य पारलौकिक क्रियाएं संपन्न की। वहां और मुनि के स्थित होने से राजा बाहु तेज से प्रकाशित होते हुए चिता से निकले और श्रेष्ठ विमान पर बैठकर मुनीश्वर औरव को प्रणाम करके परम धाम को चले गए। जिन पर महापुरुषों की दृष्टि पड़ती है वे महापातक या उपपातक से युक्त होने पर भी अवश्य परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। पुण्यात्मा पुरुष यदि किसी के शरीर को, शीर की भस्म को अथवा उसके धुएं को भी देख ले तो वह परम पद को प्राप्त हो जाता है। नारद जी पति का श्राद्ध कर्म करके रानी औरव मुनि के आश्रम पर गई और अपनी सोत के साथ महर्षि की सेवा करने लगी। श्री सनक जी कहते हैं, नारद जी से मुनीश्वर, इस प्रकार राजा बाहु की वे दोनों रानियां और मुनि के आश्रम पर रहकर प्रतिदिन भक्ति भाव से उनकी सेवा शुरुआत करती रही। इस तरह 6 महीने बीत जाने पर राजा की जो जेठी रानी थी उसके मन में सोत की समृद्धि देखकर पाप पूर्ण विचार उत्पन्न हुआ, अतः उस पापनी ने छोटी रानी को जहर दे दिया। किंतु छोटी रानी प्रतिदिन आश्रम की भूमि लीपने आदि के द्वारा मुनि की भाली भांति सेवा करती थी, इसलिए उस पुण्य कर्म के प्रभाव से रानी पर उस विष का असर ही नहीं हुआ। तत्पश्चात 3 मास और व्यतीत होने पर रानी ने शुभ समय में विष के साथ ही एक पुत्र को जन्म दिया। मुनि की सेवा से रानी के सब पाप नष्ट हो चुके थे। लोक में सत्संग का कैसा महत्व है, वह कौन सा पाप नष्ट नहीं कर सकता, और सत्संग के प्रभाव से पाप नष्ट हो जाने पर पुण्य आत्मा मनुष्यों को कौन सा सुख अधिक से अधिक नहीं मिल सकता। जानकर और अनजान में किया हुआ तथा दूसरों से कराया हुआ जो पाप है उस सब को महात्मा पुरुषों की सेवा तत्काल नष्ट कर देती है। संसार में सत्संग के प्रभाव से जड़ भी पूज्य हो जाते हैं। जैसे भगवान शंकर के द्वारा ललाट में ग्रहण कर लिए जाने पर एक कला का चंद्रमा भी वंदनीय हो गया, इस लोक और परलोक में सत्संग मनुष्यों को सदा उत्तम समृद्धि प्रदान करता है। इसलिए संत पुरुष परम पूजनीय हैं। महात्मा पुरुषों के गुणों का वर्णन करने में कौन समर्थ है। उनके प्रभाव से गर्भ में पड़ा हुआ विष 3 मास तक पचता रहा, यह कैसी अद्भुत बात है। तेजस्वी मुनि और ने विष के सहित उत्पन्न हुए पुत्र को देखकर उसका जातकर्म संस्कार किया और उस बालक का नाम सगर रखा। माता ने बालक सगर का बड़े प्रेम से पालन पोषण किया। मुनीश्वर और ने यथासमय उसके चूड़ाकर्म तथा यज्ञोपवीत संस्कार किए तथा राजा के लिए उपयोगी शास्त्रों का उसे अध्ययन कराया। मुनि सब मंत्रों के ज्ञाता थे। उन्होंने देखा सगर अब बाल्यावस्था से कुछ ऊपर उठ चुका है और मंत्र ग्रहण करने में समर्थ है। तब उसे अस्त्र शस्त्रों की मंत्र सहित उन्होंने शिक्षा दी। महर्षि और से शिक्षा पाकर सगर बड़ा बलवान, धर्मात्मा, कृतज्ञ, गुणवान तथा परम बुद्धिमान हो गया। धर्मज्ञ सगर अब प्रतिदिन अमित तेजस्वी और मुनि के लिए समिधा, कुशा, जल और फूल आदि लाने लगा। बालक बड़ा विनयी और सद्गुणों का भंडार था। एक दिन उसने अपनी माता को प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहा, मां मेरे पिताजी कहाँ चले गए हैं, उनका क्या नाम है और वे किसके कुल में उत्पन्न हुए हैं, ये सब बातें मुझे बताओ, मेरे मन में ये सुनने की बड़ी उत्कंठा है। संसार में जिनके पिता नहीं हैं वे जीवित होकर भी मरे हुए के समान हैं, जिनके माता पिता जीवित नहीं हैं उसे कोई भी सुख नहीं है। जैसे धर्महीन मूर्ख मनुष्य इस लोक और परलोक में निंदित होता है, वही दशा पितृहीन बालक की भी है। माता पिता से रहित, अज्ञानी, अविवेकी, पुत्रहीन तथा ऋणग्रस्त पुरुष का जन्म व्यर्थ है। जैसे चंद्रमा के बिना रात्रि, कमल के बिना तालाब और पति के बिना स्त्री की शोभा नहीं होती,
उसी प्रकार पितृहीन बालक भी शोभा नहीं पाता। जैसे धर्महीन मनुष्य, कर्महीन गृहस्थ और गौ आदि पशुओं से हीन वैश्य की शोभा नहीं होती, वैसे ही पिता के बिना पुत्र शोभित नहीं होता। जैसे सत्य रहित वचन, साधु पुरुषों से रहित सभा तथा दशा शून्य तप व्यर्थ है, वही दशा पिता के बिना बालक की होती है। जैसे वृक्ष के बिना वन, जल के बिना नदी, वेगहीन घोड़ा सब बेकार हैं, वैसे ही पिता के बिना बालक की दशा होती है। माँ जैसे याचक मनुष्य लोक में अत्यंत लघु समझा जाता है, उसी प्रकार पितृहीन बालक बहुत दुख उठाता है। पुत्र की यह बात सुनकर रानी लंबी सांस खींचकर दुख में डूब गई। उसने सगर के पूछने पर उसे सब बातें ठीक ठीक बता दी। ये सब वृतांत सुनकर सगर को बड़ा क्रोध हुआ, उसके नेत्र लाल हो गए। उसने उसी समय प्रतिज्ञा की कि मैं शत्रुओं का नाश कर डालूंगा। फिर और मुनि की परिक्रमा करके माता को प्रणाम किया और मुनि से आज्ञा लेकर वहां से प्रस्थान किया। और के आश्रम से निकलने पर सत्यवादी एवं पवित्र राजकुमार सगर को उनके कुल पुरोहित महर्षि विशिष्ट मिल गए। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। अपने कुल गुरु महात्मा विशिष्ट को प्रणाम करके सगर ने अपना सब समाचार बताया। यद्यपि वे ज्ञान दृष्टि से सब कुछ पहले से ही जानते थे, राजा सगर ने उन्हीं महर्षि से इंद्र, वारुण, ब्रह्म और अग्नि अस्त्र तथा उत्तम खड़ग तथा वज्र के समान सुदृढ़ धनुष प्राप्त किया। तंत्र शुद्ध हृदय वाले सगर ने मुनि की आज्ञा लेकर उनके आशीर्वाद से सम आदृत होकर उन्हें प्रणाम करके तत्काल वहां से यात्रा की। शूरवीर सगर ने एक ही धनुष से अपने विरोधियों को पुत्र पोत्र और सेना सहित सर्वलोक पहुंचा दिया। उनके धनुष से छूटे हुए अग्नि सदृश बाणों से संदिप्त होकर कितने ही शत्रु नष्ट हो गए और कितने ही भयभीत होकर भाग गए। शक, यमन तथा अन्य बहुत से राजा प्राण बचाने की इच्छा से तुरंत वशिष्ठ मुनि की शरण में गए। इस प्रकार भूमंडल पर विजय प्राप्त करके बाहुपुत्र सगर शीघ्र आचार्य वशिष्ठ के समीप आए। उन्हें अपने गुप्तचरों से यह बात मालूम हो गई थी कि हमारे शत्रु गुरु जी की शरण में गए हैं। बाहुपुत्र सगर को आया हुआ सुनकर महर्षि विशिष्ट शरणागत राक्षसों की रक्षा करने तथा अपने शिष्य सगर की प्रसन्नता के लिए क्षण भर विचार करने लगे। फिर उन्होंने कितने ही राजाओं के सिर मुंडवा दिए और कितने ही राजाओं की दाढ़ी मूछ मुंडवा दी। ये देखकर सगर हंस पड़े और अपने तपोनिधि गुरु से इस प्रकार बोले, गुरुदेव, आप इन दुराचारियों की व्यर्थ रक्षा करते हैं। इन्होंने मेरे पिता के राज्य का अपहरण कर लिया था, अतः मैं सब प्रकार से इनका संहार कर डालूंगा। पाप आत्मा दुष्ट मनुष्य तब तक दुष्टता करते हैं जब तक कि उनकी शक्ति प्रबल होती है। इसलिए शत्रु यदि दास बनकर आए, वैश्याएं सौहार्द दिखाएं और सांप साधुता प्रकट करें, तो कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुषों को उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्रूर मनुष्य पहले तो जीभ से बड़ी कठोर बातें बोलते हैं, किंतु जब निर्बल पड़ जाते हैं तो उसी जीभ से बड़ी करुणाजनक बातें कहने लगते हैं। जिसको अपने कल्याण की इच्छा हो, वह नीति शास्त्र का ज्ञाता पुरुष दुष्टों के दंभपूर्ण साधु भाव और दास भाव पर कभी विश्वास नहीं करे। नम्रता दिखाते हुए दुर्जन, कपटी मित्र और दुष्ट स्वभाव वाली स्त्री पर विश्वास करने पर वाला पुरुष मृत्युतुल्य खतरे में ही है। अतः गुरुदेव, आप इनकी प्राण रक्षा मत करें। ये रूप तो गौ का बनाकर आए हैं, परंतु इनका कर्म व्याघ्रों के समान है। इन सब दुष्टों का वध करके मैं आपकी कृपा से इस पृथ्वी का पालन करूंगा। तो वशिष्ठ जी कहने लगे, महाभाग, तुम्हें अनेकानेक साधुवाद है। सुव्रत, तुम ठीक कहते हो, फिर भी मेरी बात सुनकर तुम्हें पूर्ण शांति मिलेगी। राजन,
सभी जीव कर्मों की रस्सी में बंधे हुए हैं, तथापि जो अपने पापों से ही मारे गए हैं उन्हें फिर किस लिए मारते हो? यह शरीर पाप से उत्पन्न हुआ और पाप से ही बढ़ रहा है, इसे पाप मूलक जानकर भी तुम क्यों इसका वध करने को उद्यत हुए हो? तुम वीर क्षत्रिय हो, इस पाप मूलक शरीर को मारकर तुम्हें कौन सी कीर्ति प्राप्त होगी? ऐसा विचार करके इन लोगों को मत मारो। गुरु वशिष्ठ का यह वचन सुनकर सगर का क्रोध शांत हो गया। उस समय मुनि भी सगर के शरीर पर अपना हाथ फेरते हुए बहुत प्रसन्न हुए। तदंतर महर्षि वशिष्ठ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले अन्य मुनियों के साथ महात्मा सगर का राज्य अभिषेक किया। सगर की दो स्त्रियां थी, केशनी और सुमति। ये दोनों विदर्भराज काश्यप की कन्याएं थी। एक समय राजा सगर की दोनों पत्नियों द्वारा प्रार्थना करने पर भृगुवंशी मंत्रविता और मुनि ने उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए वर दिया। वे मुनीश्वर तीनों काल की बातें जानते थे। उन्होंने क्षण भर ध्यान में स्थित होकर केशनी और सुमति का हर्ष बढ़ाते हुए इस प्रकार कहा और कहने लगे, महाभागे, तुम दोनों में से एक रानी तो एक ही पुत्र प्राप्त करेगी, किंतु वह वंश को चलाने वाला होगा, परंतु दूसरी केवल संतान विषय की इच्छा की पूर्ति के लिए 60,000 पुत्र पैदा करेगी। तुम लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार इनमें से एक एक वर मांग लो। और मुनि का यह वचन सुनकर केशनी ने वंश परंपरा के हेतु बहुत एक ही पुत्र का वरदान मांगा तथा रानी सुमति के 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। केशनी के पुत्र का नाम था असमजस। दुष्ट असमजस उन्मत्त किसी चेष्टा करने लगा। उसकी देखा देखी सगर के सभी पुत्र बुरे आचरण करने लगे। इन सब के दूषित कर्मों को देखकर बाहुपुत्र राजा सगर बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपने पुत्रों के निंदित कर्म पर भरी भांति विचार किया। वे सोचने लगे, अहो, इस संसार में दुष्टों का संग अत्यंत कष्ट देने वाला है। तंतर असमजस के अंशुमान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो बड़ा धर्मात्मा, गुणवान और शास्त्रों का ज्ञाता था। वह सदा अपने पिता में राजा सगर के हित में संलग्न रहता था। सगर के सभी दुराचारी पुत्र लोक में उपद्रव करने लगे। वे धार्मिक अनुष्ठान करने वाले लोगों के कार्य में सदा विघ्न डाला करते थे। वे दुष्ट राजकुमार सदा मद्यपान करते और पारिजात आदि दिव्य वृक्षों के फूल लाकर अपने शरीर को सजाते। उन्होंने साधु पुरुषों की जीविका छीन ली और सदाचार का नाश कर डाला। ये सब देखकर इंद्र आदि देवता अत्यंत दुख से पीड़ित होकर इन सगर पुत्रों के नाश के लिए कोई उत्तम उपाय सोचने लगे। सब देवता कुछ निश्चय करके पाताल की गुफा में रहने वाले देव देवेश्वर भगवान कपिल के समीप गए। कपिल जी अपने मन से परम आनंद स्वरूप आत्मा का ध्यान कर रहे थे। देवताओं ने भूमि पर दंड की भांति लेटकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और इस प्रकार स्तुति की, भगवान, आप योग शक्तियों से संपन्न हैं, आपको नमस्कार है। आप सांख्य योग में रत रहने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप नर रूप से छिपे हुए नारायण हैं, आपको नमस्कार है। संसार रूपी वन को भस्म करने के लिए आप दावानल के समान हैं तथा धर्म पालन के लिए सेतु रूप हैं, आपको नमस्कार है। प्रभु, आप महान वीतराग महात्मा हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। हम सब देवता सगर के पुत्रों से पीड़ित होकर आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। तो कपिल जी ने कहा, श्रेष्ठ देवगण, जो लोग इस जगत में अपने यश, बल, धन और आयु का नाश चाहते हैं, वे ही लोगों को पीड़ा देते हैं। जो श्रद्धा, मन, वाणी और क्रिया द्वारा दूसरों को पीड़ा देते हैं, उन्हें देव ही शीघ्र नष्ट कर देता है। थोड़े ही दिनों में इन सगर पुत्रों का नाश हो ही जाएगा। महात्मा कपिल मुनि के ऐसा कहने पर देवता विधि पूर्वक उन्हें प्रणाम करके स्वर्ग लोक को चले गए।
इसी बीच में राजा सगर ने विशिष्ट आदि महर्षियों के सहयोग से परम उत्तम अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ के लिए नियुक्त किए हुए इस घोड़े को देवराज इंद्र ने चुरा लिया और पाताल में जाकर कपिल मुनि जहां पर रहते थे वहीं ले जाकर उसको बांध दिया। इंद्र के द्वारा चुराए हुए उस अश्व को खोजने के लिए सगर के सभी पुत्र आश्चर्यचकित होकर भू आदि लोकों में घूमने लगे। जब ऊपर के लोकों में कहीं भी उन्हें वह अश्व दिखाई नहीं दिया तब वे पाताल में जाने को उद्यत हुए। फिर तो सारी पृथ्वी को उन्होंने खोदना शुरू कर दिया। एक एक ने अलग अलग एक एक योजन भूमि खोद डाली। खोदी हुई मिट्टी को उन्होंने समुद्र के तट पर बिखेर दिया और उसी द्वार से वे सभी सगर पुत्र पाताल लोक में जा पहुंचे। वे सब अविवेकी मत से उन्मत्त हो रहे थे। पाताल में सब और उन्होंने अश्व को ढूंढना आरंभ किया। खोजते खोजते वहां उन्हें करोड़ों सूर्यों के समान प्रभावशाली महात्मा कपिल का दर्शन हुआ। वे ध्यान में तन्मय थे। उनके पास ही वह घोड़ा भी दिखाई दिया। फिर तो वे सभी अत्यंत क्रोध में भर गए और मुनि को देखकर उन्हें मार डालने को विचार करके वेगपूर्वक दौड़ते हुए उन पर टूट पड़े। उस समय आपस में एक दूसरे से वे इस प्रकार कह रहे थे, इसे मार डालो, मार डालो, बांध लो, पकड़ो, जल्दी पकड़ो, देखो ना घोड़ा चुरा कर यहां साधु रूप में बगले की भांति ध्यान लगाए बैठा है। अहो, संसार में ऐसे भी खल हैं जो बड़े बड़े अडंबर रचते हैं। इस तरह की बातें बोलते हुए वे मुनीश्वर कपिल का उपहास करने लगे। कपिल जी अपने समस्त इंद्रिय वर्ग और बुद्धि को आत्मा में स्थिर करके ध्यान में तत्पर थे, अतः उनकी इस करतूत को उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। सगर पुत्र की मृत्यु निकट थी इसलिए उन लोगों की बुद्धि मारी गई थी। वे मुनि को लातों से मारने लगे। कुछ लोगों ने उनकी बाहें पकड़ ली। तब मुनि की समाधि भंग हो गई। उन्होंने विस्मित होकर लोक में उपद्रव करने वाले सगर पुत्रों को लक्ष्य करके गंभीर भाव से युक्त ये वचन कहा, जो ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त हैं, जो भूख से पीड़ित हैं, जो कामी हैं तथा जो अहंकार से मूढ़ हो रहे हैं, ऐसे मनुष्यों का विवेक नहीं होता। यदि दुष्ट मनुष्य सज्जनों को सताते हैं तो इसमें आश्चर्य क्या है। नदी का वेग किनारे पर उगे हुए वृक्षों को भी गिरा देता है। जहां धन है, जवानी है तथा प्राय स्त्री भी है, वहां सदा सब अंधे और मूर्ख बने रहते हैं। दुष्ट के पास लक्ष्मी हो तो वह लोक का विनाश करने वाली होती है। जैसे वायु अग्नि की ज्वाला को बढ़ाने में सहायक होता है और जैसे दूध सांप के विष को बढ़ाने में कारण होता है, उसी प्रकार दुष्ट की लक्ष्मी उसकी दुष्टता को बढ़ा देती है। अहो, धन के मन से अद्धा हुआ मनुष्य देखते हुए भी नहीं देखता। यदि वह अपने हित को देखता है तभी वह वास्तव में देखता है। ऐसा कहकर कपिल जी ने कुपित होकर अपने नेत्रों से आग प्रकट की। उस आग ने समस्त सगर पुत्रों को क्षण भर में जलाकर भस्म कर दिया। उनकी नेत्रग्नि को देखकर पाताल निवासी जीव शोक में डूब गए और अस्मय में प्रलय हुआ जानकर चीत्कार करने लगे। उस अग्नि से संतप्त होकर संपूर्ण सर्प तथा राक्षस समुद्र में शीघ्रतापूर्वक समा गए। अवश्य साधु महात्माओं का कोप दुस्सह होता है। तंत्र देवदूत ने राजा के यज्ञ में आकर यजमान सगर को वह सब समाचार बताया। राजा सगर सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। ये सब वृतांत सुनकर उन्होंने अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक कहा, देव ने ही उन दुष्टों को दंड दे दिया। माता पिता, भाई अथवा पुत्र जो भी पाप करता है वही शत्रु माना गया है। जो पाप में प्रवृत्त होकर सब लोगों के साथ विरोध करता है उसे महान शत्रु समझना चाहिए। यही शास्त्रों का निर्णय है। राजा सगर ने अपने पुत्रों का नाश होने पर भी शोक नहीं किया, क्योंकि दुराचारियों की मृत्यु साधु पुरुषों के लिए संतोष का कारण होती है।
पुत्रहीन पुरुषों का यज्ञ में अधिकार नहीं है। धर्म शास्त्र की ऐसी आज्ञा होने के कारण महाराज सगर ने अपने पुत्र अंशुमान को ही दत्तक पुत्र के रूप में गोद ले लिया। सारग्राही राजा सगर ने बुद्धिमान और विद्वानों में श्रेष्ठ अंशुमान को अश्व ढूंढ लाने के कार्य में नियुक्त किया। अंशुमान ने उस गुफा के द्वार पर जाकर तेजो राशि मुनिवर कपिल को देखा और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर दोनों हाथों को जोड़कर वह विनय पूर्वक उनके सामने खड़ा हो गया और शांतचित सनातन देवदेव कपिल से इस प्रकार बोला, ब्राह्मण, मेरे पिता के भाइयों ने यहां आकर जो दुष्टता की है उसे आप क्षमा करें, क्योंकि साधु पुरुष सदा दूसरों के उपकार में लगे रहते हैं और क्षमा ही उनका बल है। संत महात्मा दुष्ट जीवों पर भी दया करते हैं। चंद्रमा चंडाल के घर में अपनी चांदनी खींच नहीं लेते, वहां भी चांदनी देते हैं। सज्जन पुरुष दूसरों के सताए जाने पर भी सबके लिए सुखकारक ही होते हैं। देवताओं द्वारा अपनी अमृतमय कला के भक्षण किए जाने पर भी चंद्रमा उन्हें परम संतोष ही देता है। चंदन को काटा जाए या छिदा जाए, वे अपनी सुगंध से सबको स्वासित ही करता है। साधु पुरुषों का ऐसा ही स्वभाव होता है। पुरुषोत्तम, आपके गुणों को जानने वाले मुनीश्वरगण ऐसा मानते हैं कि आप क्षमा, तपस्या तथा धर्माचरण द्वारा समस्त लोगों को शिक्षा देने के लिए इस भूतल पर अवतीर्ण हुए हैं। ब्राह्मण, आपको नमस्कार है। मुनि, आप ब्रह्म स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आप स्वभावतः ब्राह्मणों का हित करने वाले हैं और सदा ब्रह्म चिंतन में लगे रहते हैं, आपको नमस्कार है। अंशुमान के इस प्रकार स्तुति करने पर कपिल मुनि का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उस समय वे बोले, निष्पाप राजकुमार, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, वर मांगो। मुनि के ऐसा कहने पर अंशुमान ने प्रणाम करके कहा, भगवान, हमारे इन पितरों को ब्रह्म लोक में पहुंचा दे। तब कपिल मुनि अंशुमान पर अत्यंत प्रसन्न होकर आदर पूर्वक बोले, राजकुमार, तुम्हारा पुत्र यहां पर गंगा जी को लाकर अपने पितरों को स्वर्ग लोक पहुंचाएगा। बस तुम्हारे पुत्र भगीरथ द्वारा लाई गई पुण्य श्रीला गंगा नदी इन सगर पुत्रों के पाप धोकर इन्हें परम पद की प्राप्ति करा देगी। बेटा, इस घोड़े को ले जाओ, जिससे तुम्हारे पितामह का यज्ञ पूर्ण हो जाए। तब अंशुमान अपने पितामह के पास लौट गए और उन्हें अश्व सहित सब समाचार निवेदन किया। सगर ने उस पशु के द्वारा ब्राह्मणों के साथ वे यज्ञ पूर्ण किया और तपस्या द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करके वे वैकुंठ धाम को चले गए। अंशुमान के दिलीप नामक पुत्र हुआ। दिलीप से भगीरथ का जन्म हुआ, जो दिव्य लोक से गंगा जी को इस भूतल पर ले आए। भगीरथ की तपस्या से संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें गंगा दे दी। फिर भगीरथ गंगा जी को धारण कौन करेगा इस विषय में विचार करने लगे। तंत्र भगवान शिव की आराधना करके उनकी सहायता से वे देव नदी गंगा को पृथ्वी पर ले आए और उनके जल से स्पर्श कराकर पवित्र हुए पितरों को उन्होंने दिव्य स्वर्ग लोक में पहुंचा दिया।